हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, 4 नंबर ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाई है मैंने। ये रेड कलर के वेलवेट कपड़े पे बनाई है। इस तरीके से दिख रही है हमारी। इस ड्रेस को बनाने के लिए रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा लिया है मैंने और इसका एक सर्कल काट लिया है जिसका डायमीटर 8.5 इंच है। देखिए, इसके पीछे कोई कपड़ा नहीं लगाया है मैंने। आप चाहें तो अस्तर वाला जो कपड़ा होता है उसे लगा सकती हैं। यहाँ पे बीच में एक सर्कल काट लेंगे। देखिए, सर्कल काट लिया है मैंने और इसको 1 इंच से थोड़ा सा कम है इसका डायमीटर। आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 1 इंच का पूरा रख लीजिएगा। अब हम ये साइड से कट कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने रेड कलर का। इसमें से हम एक और पट्टी काटेंगे नेफा लगाने के लिए। देखिए, मैंने और पट्टी का निशान लगा लिया है। देखिए, और पट्टी काट ली है। अब इसको नेफा लगाएंगे गोल। ये नेफा लगा लिया है मैंने। ये टिशू रिबन है। अब हम इसके दोनों साइड ये टिशू रिबन गोल लगा देंगे। अगर आपकी मशीन चल जाए इस कपड़े पे तो आप मशीन से लगा लीजिएगा। ये टिशू रिबन लगा लिया है, पहले नेफा लगाया फिर टिशू रिबन। ये जो लेस है इसको अब हम यहाँ पे चिपकाएंगे, क्योंकि हमारा ये सर्कल है और ये लेस सीधी होती है इसलिए ठीक से लगेगी नहीं, तो हम इसे काट काट करके लगाएंगे। इस तरीके से पहले देख लेंगे। इसे तीन तीन काट करके लगा लेंगे। ये फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी मैं इनको। पहले ग्लू लगा लीजिए, फिर ये लेस का टुकड़ा रख दीजिए। इसी तरीके से हम ये पूरा सर्कल तैयार कर लेंगे अपना। देखिए, ये मैंने इस तरीके से सर्कल तैयार कर लिया है। ये पूरे पे लगा लिया है और ये वाले अभी नहीं चिपकाए हैं, केवल आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। अब इनको भी मैं फैब्रिक ग्लू से चिपका लूँगी। ये जो स्टोन है इनको भी चिपका लेंगे हम। इस तरीके से तीन तीन का पेयर बना के चिपकाया है मैंने। ये देखिए, पटका बनाने के लिए मैंने एक पट्टी काटी है। इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 1 इंच है। इसके दोनों तरफ भी ये जो टिश्यू रिबन है, इसके दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा लेंगे। ये लगा लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस तो बन करके तैयार हो गई। इसको साइड में कर देते हैं। अब ये हमने पटका बनाया है, तो ये मैंने
देखिए इसकी लंबाई 10 इंच और जो चौड़ाई है वो करीब मतलब टोटल 1.5 इंच है तैयार होने के बाद। इतना बड़ा पटका बनाया है हमने। ये देखिए इस तरीके का। इधर देखिए अब इसको भी हम फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। देखिए बीच में सारे पे स्टोन लगा लेंगे इस तरीके से। ये स्टोन जो हमने ड्रेस पे लगाए हैं देखिए मैंने 5 जगह लगाए हैं स्टोन। ये हमारा पटका भी तैयार हो गया है। अब हम बना लेते हैं चोली। ये चोली के लिए कपड़ा लिया है मैंने जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई करीब करीब 4 इंच है, 4 इंच से थोड़ा सा कम है। देखिए इसे ऐसे बीच में करके इस तरीके से और बीच में से कट दे देंगे। देखिए कट दे दिया है मैंने, आगे ये गला बना दिया है थोड़ा सा, पीछे की तरफ से ये कट कर दिया है। अब ये टिश्यू रिबन है इसको ये इसके चारों तरफ चोली के चारों तरफ इसको टिश्यू रिबन को भी हम सिल लेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, पहले यहाँ से पूरा सिलते हुए जाएंगे और गले पर होकर के ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा ये टिश्यू रिबन लगा लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से लगाना है। देखिए अब चोली में नीचे की तरफ से एक रिबन और लगाएंगे जिसकी लंबाई 14 इंच है। ये देखिए ये नीचे की तरफ इसे लगाएंगे दोनों तरफ बांधने के लिए छोड़ करके। देखिए इस तरीके से बनाया है ये बीचों बीच इसे सिल देंगे और दोनों तरफ बांधने के लिए आधा आधा छोड़ देंगे दोनों तरफ से। देखिए लग गया है मेरा। अब इस पे हम ये जो लेस है उसमें से एक पैच काट करके चोली के बीच में भी लगा देंगे। ये देखिए ये पैच मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए 4 नंबर के ठाकुर जी हैं मेरे और ये जो ड्रेस है मैं इनको पहना के दिखाती हूँ। ये जो हमने नेफा बनाया था इसमें ये जो डोरी होती है गोल्डन कलर की ये डाली है मैंने। इस तरीके से नॉट लगा देंगे। अब ये चोली पहनाएंगे इनको। देखिए ये जो चोली का पीछे का भाग है इसको दबा देंगे इस तरीके से और रिबन में नॉट लगा देंगे। इस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारी ड्रेस। और ये जो पटका है इसे तो आप जैसे चाहें वैसे पहना सकती हैं अपने मन के अनुसार, चाहे ऐसे पहना लीजिए चाहे इस तरीके से जो हाथ पे रख के पहनाया जाता है वैसे पहना लेंगी। तो ये पिन अप करना पड़ेगा और चाहे ऐसे सीधा रख दीजिए, जैसे आपका मन हो वैसे आप पहना सकती हैं, ऐसे सीधा ऐसे ही डाल दीजिए सिर्फ।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।